जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया मतदान। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने माराणा स्कूल धौलपुर में पहुंचकर मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मतदान दलों को एवं महिला मतदान कर्मचारियों को मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं भयमुक्त होकर मतदान संपन्न करवाने के लिए हर संभव व्यवस्था की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया मतदान, आमजन को शत प्रतिशत मतदान का दिया संदेश। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। लोकतंत्र में एक एक वोट का अपना अलग महत्व है। इसी के दृष्टिगत भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में एक स्वीप अभियान के तहत हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु जागृत किया जा रहा है। उसी दिशा में ये चूँकि ये जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में चल रहा है सारा स्वीप अभियान, तो हमने और जिला पुलिस अधीक्षक ने भी ये उचित समझा कि हमको भी हमारे मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। करते आए हैं तो हमने चूँकि वहाँ जा नहीं सकते थे अवकाश की वजह से, तो हमारे ग्रह जहाँ हमारा मत पंजीकृत है वहाँ से हमने डाक मत पत्र मंगवाया है और ये प्रक्रिया हमारे ज़िले में 14 तारीख से ही सुविधा केंद्र की मार्फ चल रही है। सारी पोलिंग ड्यूटीज में नियुक्त हमारे पोलिंग कार्मिक हैं, इवन वाहन में नियुक्त कोई ड्राइवर क्लीनर ये है, इनकी भी अलग अलग डेट्स हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, तमाम जो चुनाव प्रकोष्ठों में लगे हुए हमारे कार्मिक हैं, सबको अपने मताधिकार प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। उनसे फोन कॉल जो भी इलेक्शन ड्यूटी में उनसे प्राप्त करके उनका डाक मत पत्र विधानसभा क्षेत्रवार अपने सुविधा केंद्र बनाए हैं और उन सुविधा केंद्रों पर डलवाए। अन्य जिले का एक अलग बनाया है जो अन्य जिले के पंजीकृत है, तो इसी क्रम में ये अन्य जिले का पंजीकृत एक सुविधा केंद्र डाक मतपत्र का, जिसमें आज हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये मतपत्र हमने 16 तारीख को ही जयपुर से प्राप्त किया है हमारी टीम ने। विभिन्न जिले के जो जहाँ मतदाता है हमारे पार्टी हमारे यहाँ इलेक्शन ड्यूटी में कार्यरत हैं, तो ऐसे सभी लोगों के मताधिकारों का सुरक्षित रखते हुए सुविधा केंद्र बनवाए और उनमें मताधिकार का प्रयोग करवाया जा रहा है। ये एक इसी के माध्यम से मैं आह्वान करूँगा प्रत्येक मतदाता से जिले के कि वो आगे बढ़कर आएँ और अपना मताधिकार का उपयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें और कड़ी से इस कड़ी को मजबूत करें। जय हिंद। इस महापर्व पे चूँकि हमारी चुनाव में ड्यूटी रहती है और चुनाव ड्यूटी को देखते हुए हमें अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें हम मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं वहाँ जाने में असमर्थता को देखते हुए इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार और उनके द्वारा प्रदत्त कराई गई सुविधा के अनुसार डाक मत पत्र हमें उपलब्ध हुए हैं और उस डाक मत पत्र के तहत हमने इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग आज किया है और मताधिकार का प्रयोग करके और हम जैसे कलेक्टर साहब ने बताया हम वो आह्वान करते हैं सबसे कि इसमें स्वीप कार्यक्रम के तहत और अधिक से अधिक मतदाता इस महापर्व में अपना मताधिकार का प्रयोग करें और अपने इसमें इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें।
नीरजा अशोक शर्मा को जिताओ, रोहित बोहरा को हराओ, गिरिराज सिंह मलिंगा, बाड़ी राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने आज कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि एक दो दिन का समय निकालकर राजाखेड़ा क्षेत्र में जरूर जाएं, जहां श्रीमती नीरज अशोक शर्मा का प्रचार करें। राजाखेड़ा क्षेत्र में रहने वाले रिश्तेदारों से संपर्क करें, हो सके जितना अधिक से अधिक नीरजा शर्मा के पक्ष में मतदान करवाएं। विधायक मलिंगा ने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरा बहुत नुकसान किया है, अब यही मौका है इससे बदला लेने का, इसीलिए अधिक से अधिक लोग राजाखेड़ा क्षेत्र में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी श्रीमती नीरज शर्मा के पक्ष में मतदान करवाएं। हर जगह चुनाव प्रचार में जाए, 8 दिन का 7 दिन का चुनाव प्रचार में जाए, तो एक चीज का ध्यान रखना भैया, आप सबकी रिश्तेदारी राजा खेड़ा में जाकर नीरजा शर्मा का प्रचार करें भाई। एक दो दिन भावी दे जा सकते हैं वो जावे, फोन कर सकते हैं वो फोन करें, पर कुछ ना कुछ करो जरूर, उसको जिताना है और रोहित बोहरा को। आपका ऐसा कोई घर नहीं है बापा जहाँ आपने आपस में रिश्तेदारी नहीं है, हर गांव में आपकी रिश्तेदारी है, तो मेरी खातिर तो आप ये तो कर सकते हैं कि एक दो दिन तो जा सकते हैं भाई, तो मेरा आपसे विशेष करके ना निवेदन है कि आप मेरी खातिर एक दो दिन राजाखेड़ा में जाए और सबको कसम धर्म दिला के नहीं आवे कि भाई आप सबको राजाखेड़ा में नीरजा शर्मा के पक्ष में वोटिंग करनी है और करानी है और वो मदद करें, और उसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि जे एक मौका बदला लेने के लिए तो आप हमारी मदद करें, आप हमारा सहयोग करें, और जो गलती अभी होगी भूले मेरे से वो भी आप माफ कर देना। और माफ कर देना, और जो भी आप मांगने के लिए आदेश करेंगे उसकी मैं पालना करूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। छोटी बहन के खिलाफ बड़ी बहन का जोरदार चुनाव प्रचार अभियान, धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं दूसरी तरफ उनकी साली शोभा रानी कुशवाहा को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा की पत्नी रजनी कांता एवं कांग्रेस उम्मीदवार शोभा रानी कुशवाहा रिश्ते में दोनों बहनें हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जहां श्रीमती रजनीकांता कुशवाहा अपने पति डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के लिए घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील कर रही हैं। 2018 के चुनाव में भी लगभग यही स्थिति थी, दोनों अलग अलग पार्टियों से आमने सामने चुनाव लड़े थे। इस बार सिर्फ पार्टियों की आपस में अदला बदली हुई है, बाकी चुनाव वही विधानसभा धौलपुर का है। धौलपुर से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। मतदान कर्मियों की बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश, बसेड़ी की प्रमुख खबर। पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत की अध्यक्षता में बीएलओ एवं बूथ अवेयरनेस ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान हेला टोली की टीम को लेकर प्रत्येक मतदान केंद्र के मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क करने हेतु एवं ऐसे मतदाता जो अन्य कार्य से बाहर हैं उन्हें मतदान करने हेतु फोन करने तथा सेक्टर ऑफिसर को हेला टोली के साथ शत प्रतिशत मतदान की कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश किया गया। साथ ही उपखंड अधिकारी राजावत ने भी सभी बीएलओ को मतदान केंद्र पर
भौतिक सुविधाओं के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बूथ अवेयरनेस ग्रुप को मतदाता जागरूकता के साथ साथ हेला टीम को निर्देश देते हुए कहा गया है कि मतदान से अनुपस्थित रहने वाले मतदाताओं से मोबाइल से संपर्क कर मतदान करने का आग्रह करें। इस दौरान BDO दीवान सिंह, ऋतुराज शर्मा, प्रीतम सिंह जादौन, CBEO राजेंद्र मीणा, सेक्टर मजिस्ट्रेट, BLO, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी मौजूद रहीं। BBN ब्यूरो के लिए बसेड़ी से रविराज गोयल, दोपरा वालों की रिपोर्ट। हमारी पार्टी में लगाए तो हमारे वहां बूथ पर खाने की, खाने पीने की, सोने की, खाई की प्रॉपर व्यवस्था, सुबह नहाने की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वो चीजें अपन ध्यान रखें। पोलिंग पार्टी शाम को आ जाएगी, उसको किसी प्रकार का कोई प्रश्न ना हो, उसकी जिम्मेदारी। निर्भीक होकर मतदान करें, बालकृष्ण तिवारी। सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत निकाली रैली, धौलपुर की प्रमुख खबर। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले में चलाई जा रही मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत नगर परिषद धौलपुर द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत सर्विस वोटर व सरकारी कर्मचारी का समावेशी वॉक थान कर्तव्य पथ पर राष्ट्र में थीम पर रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ADM बालकृष्णा तिवारी ने कहा कि हमें भयमुक्त होकर बिना किसी लोभ लालच के अपने मत का प्रयोग करना है। इस अवसर पर स्वीप प्रभारी जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर ने कहा कि आप सभी की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान का समय प्रातः 1 घंटा और शाम को 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, जिससे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। इस अवसर पर नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने पोलिंग बूथ पर शत प्रतिशत मतदान कराएं। ADM धौलपुर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर नगर परिषद से रवाना किया, जो अंत में गांधी पार्क पहुंची, जहां अतिथियों द्वारा सभी को शपथ ग्रहण करवाई गई। इस अवसर पर स्वीप समन्वयक भूपेश गर्ग, राजस्व अधिकारी कुलदीप सिंह, स्वीप प्रभारी नगर परिषद मोहित शर्मा, राकेश राणा, नसीम खान, प्रकाश श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन न्याय संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। रैली का पीताम्बरा भक्त मंडल के चंद्रकांत सक्सेना, अश्विनी श्रीवास्तव, रामकुमार दुबे, कमलजीत सिंह, राजकुमार शर्मा, एडवोकेट राज बहादुर सिसोदिया, लोकेंद्र सिंह, मुकेश सक्सेना, संजीव गुप्ता, राजेश पाठक, मोहित अग्रवाल, दाऊदयाल सिंगल, लालू बघेल व चंबल रॉयल क्लब की तरफ से अजय माथुर द्वारा पुष्प वर्षा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। BBN ब्यूरो के लिए धौलपुर से रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद जय हिंद। स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांति। सवेरे 7 बजे उठ जाओ और आराम से 9-10 बजे तक वोट डाल। कोई घर अगल बगल का नहीं गया है तो उसको आकर के बताओ कि हम तो डाला है और तुम भी चलो। तो कुल मिलाकर के 25 तारीख को आपका अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल ना। कांग्रेस प्रत्याशी ने सेंपो क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में घर घर किया जनसंपर्क, सेंपो की प्रमुख खबर। बड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार ने आज से पूर्व क्षेत्र की ग्राम पंचायत पर हुआ पिपरवा कंसिल के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव में अपना चुनाव प्रचार कर घर घर जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशांत परमार का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार ने ग्रामीण जनों का आभार व्यक्त किया।
होम वोटिंग की सुविधा में बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं ने किया मतदान, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। स्वीप एवं मतदाता जागरूकता मीडिया प्रभारी हेमंत पाराशर ने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा एक नवाचार के रूप में शत प्रतिशत मतदान हेतु होम वोटिंग की व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसमें विकलांग, बुजुर्ग और किसी लंबी बीमारी से असहाय हुए मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ा गया एवं मतदाताओं के निजी निवास पर मतदान दल ने पहुंचकर मतदान करवाया। इसमें अधिकांश मतदाता ऐसे थे जो स्वयं चलकर मतदान वाले दिन मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सकते थे। राजाखेड़ा क्षेत्र के 116 मतदाताओं ने होम वोटिंग हेतु अपना आवेदन किया था, जिसमें से शनिवार अंतिम दिन तक कुल 110 मतदाताओं ने घर पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। मतदान की शपथ लेंगे हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्वीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाह विधानसभा की विधायिका ने भाजपा के पक्ष में किया चुनाव प्रचार, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा कस्बा के सीमावर्ती आगरा जिले की बाह विधानसभा से विधायक रानी पक्षालिका सिंह ने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी नीरज अशोक शर्मा के समर्थन में जनसंपर्क कर मतदान करने की अपील की और भाजपा का कमल खिलाकर डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। नीरजा शर्मा के प्रचार अभियान में उमड़ा जनसैलाब, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नीरजा अशोक शर्मा के चुनाव प्रचार अभियान में लगातार युवाओं की टोली जुड़ती जा रही है। गांव-गांव में नुक्कड़ सभा कर सर्व समाज द्वारा नीरजा शर्मा को अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नीरजा शर्मा को मिल रहे लगातार जन समर्थन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। पीयूष निषाद जी, उनका स्वागत करें सरपंच साहब, जोरदार स्वागत। और हमारे बुलडोजर से फूल बसाए। निषाद समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निषाद समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारे समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। शर्मा, नीरजा शर्मा। सरमथुरा पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, सरमथुरा की प्रमुख खबर। एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में सरमथुरा थाना पुलिस लगातार अवैध शराब रखने और लाने ले जाने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसके अंतर्गत आज मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए मोठियापुरा मोड़ नादनपुर रोड से एक व्यक्ति लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण को 102 अवैध देसी शराब के पौआ ले जाते हुए गिरफ्तार किया। इसी प्रकार एक अन्य कार्रवाई में खिन्नौट गांव के पास से एक अन्य व्यक्ति अतुल को अवैध देसी शराब के 96 पौए ले जाते हुए गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ
लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी रविराज सिंह ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के साथ जगदीश प्रसाद, एएसआई प्रेम सिंह, हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह, नरसी राम एवं चेतन सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। Thank you.